हेलो फ्रेंड्स आई एम प्रियंका वेलकम टू प्रियंका क्लासेस टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रिस्पायरेशन पार्ट टू रिस्पायरेशन इन प्लांट्स रिस्पायरेशन पार्ट वन रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था आज हम स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट वाट इज़ रिस्पायरेशन Types of respiration, difference between aerobic and anaerobic respiration, respiration in plants, respiration in leaves, respiration in stem, and respiration in roots. what is respiration the process of releasing energy from food is called respiration the process of respiration involves taking oxygen into the cells using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste product carbon dioxide from the body last video may जो रिस्पायरेशन का फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने काफ़ी डीप में डिस्क्राइब किया है आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन टू टाइप्स के होते हैं फर्स्ट एरोबिक रिस्पायरेशन Second, anaerobic respiration. Aerobic respiration. Aerobic respiration is a type of respiration that takes place in the presence of oxygen to produce energy. It is a continuous process. That takes place within the animals and plants. Mitochondria are the site of aerobic respiration. Respiration की process अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो aerobic respiration होता है। Cytoplasm के अंदर glycolysis की process होती है, जिसमें glucose ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में पायरविक एसिड के टू मालिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है पायरविक एसिड माइटोकंडिया में इंटर करते हैं और वहाँ पर साइकिल की प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और थर्टी टू ए का फॉर्मेशन करते हैं ए एक एनर्जी कंपाउंड होता है माइट्रोकांडिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं एनएरोबिक एरोबिक रिस्पायरेशन द रिस्पायरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कार्ट एनएरोबिक एरोबिक रिस्पायरेशन इन एनएरोबिक एरोबिक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इंटू एथनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग एनर्जी एनारोबिक रिस्पायरेशन मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है जैसे ईस्ट ग्लूकोज को डाउन करके एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करते हैं ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा होती है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में पायरविक एसिड के टू मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरविक एसिड के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की अब्सेंस में ईस्ट फॉर्मेंटेशन के द्वारा एथनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और टू ए का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर ए बहुत ही लीस्ट अमाउंट में बनती है या हम बोल सकते हैं बहुत ही कम बनती है difference between aerobic and anaerobic respiration aerobic respiration takes place in the presence of oxygen anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen in aerobic respiration complete breakdown of food occur in aerobic respiration in anaerobic respiration पार्सियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन एनअरोबिक रिस्पायरेशन एरोबिक रिस्पायरेशन में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है एनरोबिक रिस्पायरेशन में पार्सियल ब्रेकडाउन होता है द इंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन एनरोबिक रिस्पायरेशन द इंड प्रोडक्ट ऑफ एनरोबिक रिस्पायरेशन मे बी एथनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ईस्ट प्लांट लैक्टिक एसिड एज इन एनिमल मसल्स एनरोपिक रिस्पायरेशन में इन प्रोडक्ट एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं एनिमल्स मसल्स में लैक्टिक एसिड होते हैं इन एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोडक्ट इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एरोबिक रिस्पा रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ए का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होती है जबकि एन एरोबिक रिस्पायरेशन में मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एन एरोबिक रिस्पायरेशन इट मीन्स एरोबिक रिस्पायरेशन की कंपरिजन में एन एरोबिक रिस्पायरेशन में बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स ऑल द प्लांट पार्ट्स लाइक रूट स्टेम एंड लीव परफॉर्म रिस्पायरेशन हम सभी जानते हैं कि प्लांट के थ्री पार्ट्स होते हैं रूट स्टेम एंड लीफ ये तीनों पार्ट रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं लीफ में स्टोमेटा के थ्रू रिस्पायरेशन होता है स्टम में स्टोमेटा एंड लेंटी सेल्स के द्वारा रिस्पायरेशन होता है एंड रूट में रूट हेयर्स से रिस्पायरेशन होता है Respiration in leaves. Respiration in leaves occurs by stomata during the daytime as well as night. On the other hand, photosynthesis occurs only during the daytime. No photosynthesis occur at night. During daytime, when photosynthesis occur, oxygen is produced. The leaves stomata use some of this oxygen for respiration and the rest of oxygen diffused into air again during daytime carbon dioxide produced by respiration is all used up in photosynthesis by leaves the net gas exchange in leaves during daytime oxygen diffused out carbon dioxide diffused in during night time when no photosynthesis occurs and Hence, no oxygen is produced. Oxygen from air diffused into leaves to carry out respiration, and carbon dioxide produced by respiration diffused out into air. It means the net gas exchange in leaves at night oxygen diffused in, carbon dioxide diffused out. रिस्पायरेशन इन लीव्स डे टाइम जैसा कि हम सभी जानते हैं लीव्स में फोटोसेंथिसिस की प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू होती है और रिस्पायरेशन की प्रोसेस भी स्टोमेटा के थ्रू होती है फोटोसेंथेसिस की प्रोसेस डे टाइम में होती है सनलाइट के प्रेजेंस में होती है और रिस्पायरेशन की प्रोसेस डे और नाइट दोनों टाइम में होती है फोटोसेंथिसिस की डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए या वीडियो मैंने पहले डाल रखा है आइए हम यहाँ पर रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं जैसा कि मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड या बोल सकते हैं हम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में स्टोमेटा द्वारा रिसीव किया जाता है और स्टोमेटा के लीप्स में या स्टोमेटल सेल्स में फोटोसेंथिसिस के प्रोसेस होती है जिससे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड होती है या ऑक्सीजन गैस का कुछ पार्ट या कुछ ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज़ हो जाता है बाकी की ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज़ हो जाती है एट नाइट टाइम जैसा कि मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया है आप देख रहे हैं नाइट में फोटोसेंथिसिस की प्रोसेस नहीं होती है ओनली रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है रिस्पायरेशन के प्रोसेस में इस्टोमेटल सेल्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं स्टोमेटा की सेल्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करके इनर की सेल्स में पहुंचाती हैं और आफ्टर रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होते हैं जो स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं respiration in stem the herbaceous stem have stomata so the exchange of respiratory gases through stomata it intake oxygen through stomata and reaches all the cell for respiration the carbon dioxide gas produced during respiration diffuses out into the air through the same stomata in other hand, hardened woody stem of plants' arteries do not have stomata. The woody stem out covering of stem has lenticel for gas exchange. The oxygen from air diffuses into the stem through lenticels and reaches all the inner cells of the stem during respiration diffuses carbon dioxide out into the air through the same lenticels herbaceous stems soft hote hain usme respiration stomata ke dwara hota hai Oxygen stomata से diffuse होकर अंदर आते हैं और सारे cells में पहुंचते हैं रिस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है जो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाती है वहीं दूसरी तरफ हार्ड और ऊडी स्टेम में स्टोमेटा एबसेंट होते हैं स्टोमेटा की आउटर सरफेस पर लेंटी सेल्स पाए जाती हैं। ऑक्सीजन लेंटी सेल से डिफ्यूज होकर स्टम के इनर सेल्स में आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन से प्रोड्यूस्ड होते हैं जो डिफ्यूज़ होकर लेंटी सेल से बाहर जाते हैं जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये एक स्टेम का पार्ट है स्टेम के आउटर सरफेस पर बार्क होते हैं या डेड सेल्स होती हैं जिनके बीच बीच में लेंटी सेल्स होते हैं ये लेंटी सेल्स ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं और आफ्टर रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं हम बोल सकते हैं कि हर्बेसियस प्लांट में रिस्पायरेशन के प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू होती है और हार्ड एंड ओड़ी प्लांट्स में रिस्पायरेशन के प्रोसेस लेंटी सेल्स के द्वारा होती है रिस्पायरेशन इन रूट्स द रूट्स ऑफ अ प्लांट take the oxygen required for respiration from the air present in between the soil particle by the process of diffusion the extension of the epidermal cell of a root are called root hairs oxygen diffuses into root hair and reaches all the other cells of the root respiration Carbon dioxide gas produced in the cell of the root during respiration move out through the same root here by the process of diffusion. Thus, the process in root occurs by the diffusion of respiration gas, the root hairs. Roots सोयल पार्टिकल के बीच की एयर को रिस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं रूट्स की इपिडर्मल सेल पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके इनर सेल्स तक पहुँचाते हैं और रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ डिफ्यूज़ करते हैं इट मीन्स रूट्स में रिस्पायरेशन रूट्स हेयर के थ्रू होता है जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं रूट्स के चारों तरफ सॉइल है और सोयल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जहाँ पर एयर प्रेजेंट होती है वहाँ से रूट हेयर्स ऑक्सीजन को यूज़ करके रिस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं और आफ्टर रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं रूट हेयर्स के थ्रू सॉयल पार्टिकल्स में या सोयल पार्टिकल स्पेस में रिलीज करते हैं डिफ्यूज़ करते हैं मैंने आपको रूट हेयर्स को जूम करके दिखाया है बहुत ही फाइन लेयर्स होती हैं या फाइन हेयर्स होते हैं आज के वीडियो में हमने देखा लीफ में रिस्पायरेशन स्टोमेटा के द्वारा कैसे होता है किन टाइम किन गैसों का एक्सचेंज होता है स्टेम में रिस्पायरेशन कैसे होता है किस तरह के स्टेम में स्टोमेटा से और किस तरह के स्टेम में लेंटिसल से रिस्पायरेशन होता है और रूट्स में रूट हेयर के थ्रू रिस्पायरेशन की प्रोसेस कैसे होती है सब लोग को बहुत सारा बयान रखना चाहिए जिसे ऑक्सीजन मिले और, और हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा हो जाए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए अगर आप तक अभी, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बाय बाय गुड इवनिंग